मंदसौर गांधी चौराहे स्थित नगर पालिका गेट के बाहर नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर गांधी चौराहा स्थित नगर पालिका गेट के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कई देर तक कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया कि हम प्रार्थी जिले की नगरीय निकाय में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं, जिन्हें संविदा के आधार पर विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। हमारी नियुक्ति भी परिषद PIC से समक्ष स्वीकृति प्राप्त के बाद की गई। हमें एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी जाती है और प्रतिवर्ष अवधि समाप्त होने के बाद परिषद PIC से पुनः एक वर्ष स्वीकृति प्राप्त कर निरत कार्य कराया जाता रहा है। इसमें जिले की नगरीय निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, बगीचा श्रमिक, लोक निर्माण श्रमिक, स्वच्छता श्रमिक सहित अन्य शामिल है। कर्मचारियों ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी वर्गों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए जा रहे हैं और संविदा पर कार्य करने वाले वर्ग की प्रताड़ना को देखते हुए संविदा प्रथा को समाप्त कर उन्हें नियमित कर्मचारियों के समक्ष स्थापित किया गया। हमारी भी मांग है कि जिले की नगरीय निकाय में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी योजना में नियमितीकरण का लाभ मिले। इस दौरान जिले के संविदा कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री महोदय ने जुलाई 2023 में घोषणा करी थी कि सभी संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, नियमितीकरण का समकक्षता का निर्धारण किया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक नगरीय प्रशासन द्वारा हम संविदा कर्मियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। किंतु दूसरे विभागों को देखिए आप, दूसरे विभागों में सभी लोगों के पास आदेश आ गए हैं। क्या हम लोगों कर्मचारी नहीं है? क्या हम लोगों ने कोविड के समय में सेवा नहीं करी? हम लोगों ने क्या कार्य नहीं किया? तो हमारा भी हक बनता है उसके लिए। आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बोलना चाहते हैं कि महोदय कृपया हमारे विभाग को भी आदेशित कीजिए, हमारे लिए आदेश निकालने के लिए। क्या मांग क्या आप? हम लोगों को समकक्षता का निर्धारण करें, हमारे पद के अनुरूप, हमारे कार्य के अनुरूप हमको वेतनमान का लाभ दिए जाए। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 से किसी का घर नहीं चलता है। हम लोग सब मेहनत करते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेहनत करते हैं सर। कितने कर्मचारी है मंदसौर? 450 कर्मचारी, 465 कर्मचारी है सर। कौन सा विभाग आता है? हम नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नगर पालिका में मंदसौर में कार्यरत हैं। बस हमारा यही है कि जितने भी विभाग के कर्मचारी थे उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनियमित के लिए आदेश कर दिया है, लेकिन नगर पालिका मंदसौर के कर्मचारी या सभी नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, नगर परिषद के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कोई आदेशित नहीं किया गया है। बस यही हमारी मांग है कि उनको भी आदेशित करें और उनको भी विनियमित करें। क्या मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम है आपका? अभी आगे हम जो भी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी आएंगे हम उनको वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी आवेदन देंगे कि हमारी मांगे पूर्ण की जाए।